नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा आप लोगों से। संजय दत्त यानी कि संजू बाबा, प्यार से हम सब उसे संजू बाबा कहते हैं। मेरे ख्याल से संजय दत्त इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल स्टड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जो दौर संजय दत्त ने स्टार्ट किया था, उसके बाद काफ़ी एक्टर्स ने उनको फॉलो किया। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो संजय दत्त के फ़ैन हैं और संजय दत्त को फॉलो करते थे इन द वेरी बिगनिंग। संजय दत्त ने काफ़ी नाम कमाया, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की उन्होंने। बीच बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि आसपास में ये कमर्शियल सेंटर में हमारा स्टूडियो है, तो आसपास में शटर किया, कहीं और भी डिस्टर्बेंस ऑडियो की आवाज़ आ सकती है आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे पहले से ही। लेकिन बीच में हम शूटिंग बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू संजय दत्त। संजय दत्त सुपरस्टार रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं। मुन्ना भाई पार्ट वन, पार्ट टू, वास्तव शुरुआत की थी उन्होंने रॉकी के साथ। उसके बाद काफ़ी पिक्चरों उन्होंने की, काफ़ी पिक्चरों में नाम कमाया। नाम पिक्चर उन्होंने की थी जिसमें उनका कमबैक हुआ था। अनफॉर्चुनेटली संजय दत्त की जो मदर थी, द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा मिसेस नरगिस दत्त, आप तो जानते हैं संजय दत्त जो हैं वो सुनील दत्त साहब के बेटे हैं। सुनील दत्त वॉज अ वेरी गुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ही वॉज एम पी विथ कांग्रेस फॉर सो मैनी ईयर्स, और काफ़ी अपराइट व्हाट वी से पॉलिटिशियन माना जाता था, हॉनेस्ट पॉलिटिशियन थे सुनील दत्त साहब। तो नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं संजय दत्त। संजय दत्त की माँ यानी कि नरगिस दत्त की जैसे ही डेथ हुई थी, तब रॉकी पिक्चर संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रिलीज़ होने वाली थी। रिलीज़ के कुछ 3 या 4 दिन पहले ही नरगिस दत्त की यानी कि संजय दत्त की माँ की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर। बट रॉकी पिक्चर का जो प्रीमियर शेड्यूल था, उन्होंने उसे पोस्टपोन नहीं किया, एक सीट खाली छोड़ दी नरगिस के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर नरगिस जिंदा होती तो वो इस सीट पे बैठ के अपने बेटे की प्रीमियर पिक्चर जो रॉकी थी वो देखती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी डाइड बिफोर द रिलीज ऑफ द डेब्यू फिल्म ऑफ हर सन संजय दत्त। द मूवी वॉज रॉकी। खैर, अब मैं बात करूँगा संजय दत्त को इन अक्टूबर 2020 संजय दत्त को पता चला कि उनको लंग कैंसर है और काफ़ी एडवांस स्टेज की लंग कैंसर है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बात फैल गई और काफ़ी लोग हिल गए क्योंकि संजय दत्त इज़ द फेवरेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कोस्टार्स, एवरीबडी इंक्लूडिंग हिज लैक्स एंड लैक्स फैंस। काफ़ी लोगों को दुख हुआ कि संजय दत्त को कैंसर हो गई है, लंग कैंसर, वो भी सुनने में आया था कि एडवांस स्टेज पे है। लेकिन ये संजय दत्त ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की कि बिकॉज ऑफ हिज विल पावर एंड दुआएं जो उनको मिली वेल विशर्स से, तो उन्होंने कैंसर से फाइट की और वो कैंसर से अब बाहर ठीक होके आ गए हैं। दैट मीन्स संजय दत्त इज क्योर्ड ऑफ कैंसर कम्प्लीटली नाउ, एज स्टेटमेंट गिवन टू द मीडिया बाय हिम ओनली ड्यूरिंग एक दो दिन पहले जब उनके बेटे का बर्थडे हुआ था, तो उस बर्थडे पे उन्होंने अनाउंस किया संजय दत्त ने कि उनका कैंसर का इलाज अब कंप्लीट हो चुका है एंड ही इज़ नाउ फ्री फ्रॉम कैंसर। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। कोई भी इंसान अगर कैंसर से बाहर आ जाता है तो वो खुशी की बात तो होती है, फैमिली के लिए भी, वेल विशर्स के लिए भी, फैंस के लिए भी। अभी तो संजय दत्त तो सेलिब्रिटी है तो बड नेचुरल सबको खुशी मिलेगी। संजय दत्त की अब 2 मूवीज़ आने वाली हैं, बहुत ही जल्द आने वाली हैं, जिनमें एक है शमशेरा जो रणबीर कपूर के साथ है, रणबीर कपूर सुपरस्टार ऋषि कपूर के बेटे, और दूसरी है पृथ्वीराज जो अक्षय कुमार के साथ है। इन 2 पिक्चरों में संजय दत्त का को स्टार है, इज़ नॉट अ प्लेइंग अ मेन लीड रोल बट को स्टार है, काफ़ी दमदार रोल होगा ऑब्वियसली। तो इंतज़ार रहेगा इन 2 मूवीज़ का, लेकिन खुशी की बात यह कि संजय दत्त इज़ फ्री फ्रॉम कैंसर नाउ। ये मेन जो बात थी खुशी की, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, जितने भी संजय दत्त के फ़ैन हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हल्की फुल्की बातें थी। मीनवाइल अगर आप ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, इंडिया के ट्रैवल रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रैवल रिलेटेड रेसिपीज़ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, रिलीजियस वीडियोज़, फेस्टिवल्स वीडियोज़, फ़नी एंड वायरल वीडियोज़,
इंफोटेनमेंट एंड दुनिया भर की व्हाट वी से न्यूज़ अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए जिसका नाम है www.newstv.co.in। इसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा है, डिसेंट कंटेंट है, नो वल्गैरिटी एट ऑल, तो आप और अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, कोविड ओमिक्रॉन, यानी कि कोई ओमिक्रॉन बोल रहा है, कोई ओमाइक्रॉन बोल रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। वैक्सीनेशन ना की है तो करवा लीजिए और अपना ख्याल रखिए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। एंड कीप वॉचिंग आवर वेब चैनल www.newstv.co.in। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।